आज हम यहाँ पे एलजी आवास पर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को, जो हम वहाँ के शिक्षकों को फिनलैंड भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, उसकी फाइल को एलजी साहब ने रिजेक्ट कर दिया है और फिनलैंड में होने वाली ट्रेनिंग के लिए परमिशन देने से मना कर दिया है। हम एलजी साहब से ये कहने आए हैं कि ये शिक्षक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं, ये उन गरीब बच्चों को एक अच्छा भविष्य देते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग आप क्यों रोक रहे हैं? क्यों आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा का जो एक मौका मिल रहा है, आप उसको क्यों रोकना चाहते हैं? अगर शिक्षक विदेश जाएंगे, फिनलैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, देश विदेश के सबसे अच्छे स्कूल देख के आएंगे और वो फिर जो वहाँ से सीख कर आते हैं यहाँ पर अपने स्कूलों में लागू कर सकते हैं। सरकारी स्कूल में एलजी साहब दिल्ली के सबसे गरीब बच्चे पढ़ते हैं। जो सरकारी स्कूलों में सुधार आया है उस सुधार से दिल्ली के गरीब बच्चों ने आईआईटी जाना शुरू कर दिया है, मेडिकल में एडमिशन लेना शुरू कर दिया है। तो आपको, मैं जानती हूँ एलजी साहब, आपको अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है। मैं जानती हूँ एलजी साहब कि आपको आम आदमी पार्टी से नफरत है, पर अपनी नफरत की हद इतनी मत पार करने दीजिए कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जो आपकी नफरत है कि उसकी वजह से आज आप दिल्ली के गरीब बच्चों से भी नफरत करने लगे। आपसे यही निवेदन है कि जल्द से जल्द फिनलैंड की टीचर ट्रेनिंग की फाइल को पास करें और दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को एक अच्छे भविष्य का मौका दें। साहब की तरफ से, कार्यालय की तरफ से आगे हमने खारिज नहीं किया है, तो फिर वो दिखा दें, वो कागज दिखा दें, वो दिखा दें कि उन्होंने अगर ये फाइल को पास कर दिया है तो वो कागजात सामने क्यों नहीं रखते हैं? वो क्यों बैकफुट से खेल रहे हैं? वो क्यों चोर दरवाजे से चीजों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? अगर उन्होंने फिनलैंड में टीचर ट्रेनिंग की फाइल पास कर दी है तो वो ट्वीट में उसका फोटो डाल दें, फिर हम यहाँ से अपने प्रोटेस्ट से हट जाएंगे, फिर हम उन्हें कुछ भी कहना बंद कर देंगे। ये तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अतिशी जी, अभी जो है एलजी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने ट्वीट किया है कि अभी हमने खारिज नहीं किया है, लेकिन आप लोग इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अगर एलजी साहब ने फाइल को अप्रूव कर दिया है तो वो उसकी फोटो ट्वीट कर दें, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर उन्होंने खारिज नहीं किया है, अगर उन्होंने अप्रूवल दे दिया है, तो वो ट्वीट करके फोटो क्यों नहीं दिखा देते फाइल की? लेकिन तमाम लोग तो यहाँ पर आ गए हैं यहाँ पर, लेकिन एलजी साहब, हमेशा से ऐसा देखा गया है कि जो भी फैसले अगर कोई सीएम साहब लेते हैं तो उस पर रोक लगा देते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि एलजी साहब को अरविंद केजरीवाल से नफरत है, एलजी साहब को आम आदमी पार्टी से नफरत है। अब ऐसी नफरत हर हद पार कर गई है कि अब वो दिल्ली सरकार के कामों से भी और दिल्ली के लोगों से भी नफरत करने लग गए। एमसीडी में अब जो है केजरीवाल जी की सरकार आ चुकी है, इससे पहले भाजपा थी, उन्होंने कोई काम नहीं किया था, लेकिन तमाम जो स्कूल के ढांचा बदला है, कुछ ही स्कूल में ढांचा बदला हुआ दिखता है, लेकिन ये भी जो है सबसे बड़ा सवाल है। आइए आप हमारे कोई भी स्कूल आके देख लीजिए, आपको हर स्कूल शानदार दिखेगा। अतिशी जी से हमने बात की, तो तमाम लोग जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, लेकिन जो है एलजी साहब कह रहे हैं ट्वीट करके कि भाई हमने खारिज नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर तमाम लोग जो हैं एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अतिशी जी आई थी, तमाम शिक्षक कार्यकर्ता भी थे। मैम, क्या नाम है आपका? मैम मीतू। क्या नाम है? मीतू ग्रोवर। मीतू जी क्या करती हैं? मैं होम सर्विस ये करती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर अभी आप आई हैं, क्या आपको विरोध प्रदर्शन था थोड़ी सी देर के लिए आपने किया और अब लोग आप चल दिए? हाँ जी मैम, हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, एलजी साहब जो इंसाफ मिले, इतना बड़ा शब्द मैम, क्या आपके साथ ऐसा क्या गलत हो गया? इंसाफ मैम टीचरों के लिए, मैम जो महिलाओं के लिए सब कर रहे हैं केजरीवाल जी, तो हम ये चाहते हैं वो हो, एलजी साहब उस पर कोई रोक ना लगे। हम ये लोग तो ऐसा लगता है कि ये जो एलजी साहब जब भी ये सीएम साहब कोई अच्छा फैसला लेते हैं या लेने वाले होते हैं तो एलजी साहब रोक लगा देते हैं। हाँ जी, यस ऐसा होता है। हाँ जी होता है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये तो हम नहीं बता सकते। चलिए, तो ये कुसुम थी और यहाँ पर तमाम लोग भी जो हैं, आप महिलाएं देख सकते हैं अब चल दिए हैं, यहाँ पर आए थे जो प्रदर्शन कर रहे थे। तो और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? उषा अरोड़ा। उषा जी कहाँ से आई हैं? मैं तिलक नगर विधानसभा
तो यहाँ पर अभी अतिशी जी भी आए और तमाम लोग यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए एकत्रित हुए, बस थोड़ी देर का ही स्टंट था ये आप लोगों का? नहीं मैम, आपको मालूम ही आज बहुत बड़ा त्यौहार है लोहड़ी का और मकर संक्रांति का, लेकिन वो सब त्यौहार को पीछे रखकर आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता, सफाई कट्टर कार्यकर्ता, जैसे ही मैसेज मिला सब पहुँचे, क्योंकि आज बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत सारे दिल्ली से बाहर मेला गई हुई है, तो हम तो हमेशा ही तैयार रहते हैं, लेकिन एलजी ऐसी हरकतें क्यों करते हैं, ये सब करना पड़े। बीजेपी को, बीजेपी नहीं चाहती है कि दिल्ली के बच्चे जो अच्छा स्टडी करें, जो अच्छा सोचते हैं, मंदिर बनाने में कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो शिक्षा के लिए भी तो करने देना चाहिए ना उनको, क्यों ऐसे हरकतें करते हैं एलजी? की आस्था है ना मंदिर पे, तो वो तो अच्छी बात है, सबकी है, उनका थोड़ी मंदिर सबका ही है, हाँ सब भी मानते हैं भगवान को, कौन नहीं मानता, हर मानने का सबका तरीका होता है, लेकिन जब हमारी इंडिया में अच्छी स्टडी होगी तो बच्चे बाहर पढ़ने क्यों जाएंगे? हम, मेरी खुद की बेटी बाहर डॉक्टरी कर रही है, कितने लाखों रुपया वहाँ जाते हैं, वो हमारे इंडिया में नहीं रहेगा, जो इन चीज़ों में ध्यान देते हैं, शिक्षा में भी ध्यान देना चाहिए, अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल, अच्छी चीज़ें बननी चाहिए, सब कुछ, तो जब ये सब कुछ इन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए ना, एलजी साहब ने अब जो एलजी साहब तो कह रहे हैं कि हमने भैया ऐसा फैसला नहीं लिया है, खारिज कर रहे हैं, ऐसे कोई बेवकूफ तो है नहीं है सरकार जो ऐसे उनको बोलेगी, उन्होंने हर चीज में डंडा अड़ाना ही अड़ाना है, डंडा अड़ाने के बाद फिर काम करते हैं, क्यों अड़ाते हैं, क्यों अड़ाते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो नहीं चाहते। देखो मैं तो एलजी साहब को एक बात कहना चाहती हूँ और अपने देश के प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहती हूँ, दिल्ली की जनता के खून में, नस नस में आम आदमी पार्टी बस चुकी है, और वो यहाँ पार्टी की बात हो रही है या शिक्षा की बात? शिक्षा की बात, तो जो अरविंद जी काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि एक तरफ एलजी साहब भाजपा सब लोग बोल रहे हैं, एक तरफ सीएम साहब हैं, आम आदमी पार्टी है, लेकिन इस बीच में जो छात्र हैं उनका भविष्य गर्त में जाएगा? कैसे जाएगा? नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। दिल्ली पार्टी, पार्टी हो रही है दोनों तरफ, दिल्ली सरकार यही तो बोल रही है कि बच्चों के लिए अच्छा करने दो, सरकारी स्कूल पहले हमारे कितने खराब थे, जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई कितना अच्छा हो गया, इतनी अच्छी स्टडी हो रही है, कितने सरकारी स्कूल इतने अच्छे बन गए हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे, तो आप कह रही है ना, लेकिन तमाम जो स्कूलों के सर्वे किए गए, कुछ ही स्कूल्स में जो है स्विमिंग पूल दिया गया, एयर कंडीशनर दिया गया। मैं ग्राउंड लेवल पे रहती हूँ, मेरे एरिया में बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं। कहाँ रहती हैं आप? हाँ, मैं विकासपुरी में, और मेरे प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को पेरेंट्स ने निकाल के सरकारी स्कूलों में भेज लेकिन दिया। तमाम और भी स्कूल जो है उनमें ना, जो साइंस साइड लेना चाहता है या कॉमर्स लेना चाहता है, ऐसी सुविधा मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल है मैम, इस साल भी कितने बचे हैं मौजूद नहीं है, लेकिन छात्र बैठे थे। है मैम, है अभी भी, इस साल भी कितने बचे MBBS के लिए गए हैं डॉक्टर के हैं। मैम ये सिर्फ शिक्षा में राजनीति नहीं होनी चाहिए, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है एलजी साहब से, आप हर जगह करो राजनीति, लेकिन शिक्षा पे बोला जा रहा था, शिक्षक आएंगे, शिक्षा के लिए लड़ेंगे, यहाँ पे शिक्षकों की यहाँ पर होनी चाहिए थी जो मौजूदगी है, लेकिन शिक्षक बहुत कम दिख रहे हैं, कार्यकर्ता सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। तो मैम एकदम ऐसे जैसे मैसेज दिया, जैसे जैसे अभी तो आ रहे हैं, अभी चलेगा, ये हटने वाला नहीं है अभी, आप तो लोग चल दिए, गाड़ियाँ आ गई, आप लोग चले गए, जब तक फाइनल एलजी साहब ओके नहीं करते फाइल, तब तक ये चलता रहेगा मैम। चलिए, तो ये थे यहाँ पर तमाम लोग जो महिलाएं यहाँ पर अभी प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, अतिशी भी यहाँ पर आई आपने देखा, लेकिन इनका कहना ये है कि शिक्षा को लेकर जो एलजी साहब का रवैया है वो ठीक नहीं है, अगर शिक्षक बाहर ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो उसमें क्या ही नुकसान है, इससे फ़ायदा ही होगा, हमारे यहाँ के छात्रों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो ये तमाम इनकी डिमांड और मांगे हैं। तो यहाँ पर अभी लोग जो खड़े तो थे, लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी जो है उस तरफ बैरिकेड लगा हुआ है, और उस तरफ बैरिकेड के उस तरफ जो है तमाम पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा लगता है कि ये तमाम लोग जो आए थे, धरना प्रदर्शन हुआ, थोड़ी देर के लिए विरोध प्रदर्शन हुआ, तो शायद अब यहाँ पर माहौल ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है गुट गुट में बट गए हैं और यहाँ से कूच भी कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था उसी चीज को लेकर। इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, एलजी हाउस दिल्ली।